तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ओपोजिशन की 6 तरामीम में बिल में शामिल कर ली गई हैं और ये बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है सेनेट में, जहां पर साइबर क्राइम बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो चुका है और ओपोजिशन की 6 तरामीम भी बिल में शामिल कर ली गई हैं और ये बिल मंजूर कर लिया गया है जो कि सेनेट में पेश किया गया था। और अभी इस बिल के हवाले से ये खबर है कि सेनेट में साइबर क्राइम बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है और ऑपोजिशन की 6 तरामीम भी इस बिल में शामिल कर ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई थी अराकीन सेनेट को कि इस बिल की मुखालफत की जाए, मिनवन इस बिल को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार किया जाए और यही वजह है कि अपोजिशन की 6 तरामीम भी इस बिल में शामिल करवा ली गई हैं। सेनेट में साइबर क्राइम बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो चुका है और अपोजिशन ने 6 तरामीम भी इस बिल में शामिल करवा ली है। अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है सेनेट में और राज्य पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि इस बिल को मिनवन तस्लीम करने से मुखालफत की जाए। रेहान शेख वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। रेहान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा ने यह हिदायत जारी की थी अराकीन सेनेट को कि मिनवन इस बिल को तस्लीम करने के हवाले से मुखालफत की जाए। 6 तरमीम अपोजिशन की भी इस बिल में शामिल की गई है, अपोजिशन ने क्या तरमीम शामिल करवाई है इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ पर सेनेटर एजाज एहसन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने ये कहना था ऑन फ्लोर कि इस बिल में मजीद बेहतरी की गुंजाइश बाकी है, जबकि शरीर रहमान जो कि पीपल्स पार्टी के हैं उनका ये कहना था कि हमने इसको काले कानून मुकम्मल तौर पर काले कानून होने से बचाया है। आसिफ बिलावल भुट्टो की तरफ से तो कहा गया था कि ना पास कराया जाए, लेकिन इसको मुत्तफिका तौर पर पेश कर दिया गया और पास करा लिया गया है। सेनेट में इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम 2016 का जो बिल है मंजूर है, अपोजिशन के जो इसके अंदर तकरीबन 50 के करीब जो बिल की जो तरामीम थी वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा बिल के तहत मुतलका अथॉरिटीज पार्लियामेंट में जो हर 6 माह के बाद रिपोर्ट पेश करेगी, अथॉरिटीज फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में 30 रोज के अंदर अपील की जा सकेगी और इसके साथ ही सेनेट का इजलास गैर मुजीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि आइंदा इजलास 5 अगस्त को होगा। 6 अगस्त को सेनेट के योम तासीस का सेमिनार भी होगा। जी शुक्रिया रेहान शेख, आपने अपडेट किया।